आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम आरपी डुल्ला सर। और पेशेंट का नाम? सोनू सर। क्या लगते हैं आपके? भाई है सर। आपका भाई है जी। उसकी उम्र 25। जी सर। रहने वाले कहाँ के आप? हरियाणा से हैं, डिस्ट्रिक्ट कैथल गांव पाई है सर। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कैथल गांव पाई। पाई। आपके पेशेंट को ए एल एल बताए थे, ब्लड कैंसर। कीमो लगा रखी थी आपके पेशेंट को? 20 कीमो। क्या क्या दिक्कतें थी, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया, अभी क्या कंडीशन है? अभी सर हमने ट्रीटमेंट चंडीगढ़, ठीक है जी, और उनका जो 3 साल का ट्रीटमेंट था कंप्लीट हो चुका था पूरा। 2022 से था वो, लगभग 2019 से और 2022 एंड तक। अच्छा, ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है जी। तो उस दौरान बीच में कुछ ठीक हो गए थे, उसके बाद फिर दोबारा दिक्कत हो गई थी उनको। ये फीवर, बार बार फीवर आता था? हाँ, बार बार बुखार आता था, प्लेटलेट्स कम हो जाती थी, ब्लड कम हो जाता था, ठीक है, ये दिक्कतें थी। मसूड़े से खून आता था। जब हमने दोबारा टेस्ट करवाए फरवरी 2023 में, तो उनको दोबारा फिर वही बीमारी रिपीट बता दी। फिर से रिपीट हो गई जी। शुरू में जब ट्रीटमेंट कराया उस समय ठीक हो गए? हाँ, लगभग वो 2021 में मतलब ठीक हो गए थे। 19 अगस्त के बाद मतलब रिकवरी ले ली थी उन्होंने, ठीक हो गए थे, ठीक है। उसके बाद बीच में वो 1.5-2 साल ठीक रहे, उसके बाद फिर दोबारा फिर से रिकरेंस हो गया था। हाँ जी, दोबारा से हो गया। तो फिर दोबारा से फिर आपको कीमो पर फिर दोबारा से उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। अच्छा, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और 20-25 लाख रुपये उसका लगभग खर्च भी होगा। बोन मैरो में तो लगते हैं सर 20-25 लाख के समथिंग लगते हैं जी। तो शुरू में आपने कितने पैसे लगा दिए थे? सर हमारा पैसा तो 20-25 लाख रुपया लग गया, पहले लग चुका था। हाँ जी। और फिर 20-25 लाख की फिर से आपको? जी सर। उस चीज को देखकर आपको लगा कि पहले इलाज नहीं हुआ? इलाज जो उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बताया था सर, एक तो वो था कि उसमें मान लिया सक्सेस रेशो ही 15% बता रहे थे। भाई वो हम कोई वो हो, पैसे लगने के बाद भी होगा नहीं होगा, हम चलो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत मतलब काम वो करते कर भी लेते पैसों के इंतजाम कहीं से कहीं तक, तो वो सक्सेस नहीं लग रहा था। वो ये लग रहा था कि भाई वो मैच करेगा, सक्सेस होगा, वो कितने दिन तक सही रहेगा, कितने दिन तक वो करेगी, उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ये बात डॉक्टर ने बोला आपको? ये डॉक्टर ने बोले थे, ठीक है। उस चीज को देखकर अगर वो गारंटी लेते तो आप कुछ भी करते? तो हम कोशिश करते भी कहीं, हर बार बंदा चाहता है कहीं से भी लाओ इलाज करवाते, लेकिन उन्होंने खुद बोला कि 10-15% ही आपकी चांस है। वो ओवरऑल में इतने चांसेस है इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ओवरऑल चांसेस इतने बताया कि 15-20% या 10-15% आपको। तो उस चीज को देखते हुए फिर आप मेरे पास आए। तो मेरी छोटी सिस्टर है सर। अच्छा। उन्होंने आपकी वीडियो देखी थी, उन्होंने मेरे को 2-3 दफा बोला कि एक बार आप वहां जाके आइए, तो मैं फिर उनके कहने से फर्स्ट टाइम यहाँ आया था। आपने वीडियो देखकर विश्वास कर लिया था कि? जी देखो, विश्वास तो ऐसा है सर, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो फिर हम ये सोचते हैं भाई हम कहीं जाएं, और वहां जाने के बाद फिर हमें क्या रिकवरी मिलती है, उसके बाद हमारा विश्वास बनता है। एक मजबूरी भी थी कि चलो देखते हैं, ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास कोई। तो आप मेरे पास, तो जब ऑप्शन खत्म हो गए तब मेरे पास आए थे, जो 20 दिन मैंने बताया कि 20 डेज में आप देख लेंगे, अगर कुछ आराम मिलेगा तो आगे दवाई दूंगा। जी जी, उसी मैंने तो आपको कहीं लूटा नहीं। नहीं सर, मैं तो नहीं बोला कि 3 महीने 6 महीने साल भर दवाई खानी पड़ेगी। मैं बोला 20 दिन के बाद आपका ट्रीटमेंट चलाएंगे, अगर आराम मिल गया तो आगे चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा। क्या आराम मिल गया मेरी 20 दिन के दवाई में आपको? अभी सर उनके जैसे प्लेटलेट हैं वो 10-15 हजार जो रहती थी, अभी हमने 3-4 दिन पहले ही CBC करवाई है, तो 85 हजार प्लेटलेट है, ठीक है। फीवर आता था, वो फीवर नहीं अभी 15-20 दिन से, ठीक है। खांसी थी? खांसी हाँ वो ठीक है सब कुछ। कब्ज था? हाँ बिल्कुल फ्रेश। मसूड़ों से खून आता था? हाँ वो भी ठीक है सर, ठीक है। पेट साफ नहीं होता था? हाँ ये सारी मतलब सब कुछ ओके है सर। भूख नहीं लगती? ठीक लग रही है, अभी खाना भी खा रहा है, 2-3 टाइम खाना खा रहा है आराम से। पहले मतलब शरीर में कमजोरी महसूस कर रहा था, अभी आराम से हमारे पास बैठता है, 2-3 घंटे बैठा रहता है, बातें करता है आराम से, बिल्कुल सब कुछ एक्टिव हो गया बॉडी। हाँ और अभी आपके साथ आए थे भैया जी जी, आपने भी एक बात रखी थी जी मेरे को, क्या लग, तो कौन था पेशेंट आपका? आपकी मिसेज थी। आपने बताया कि 45 लाख आपने लगाया, ठीक है, और पेशेंट की डेथ हो गई प्लास्टिक एनीमिया, वही ब्लड कैंसर लगा लो, कि जिस चीज को देखकर हम आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस आपके सामने अब ये दोनों साथ आए आप लोग, आपको नहीं लगा कि आप सही टाइम पर आ जाते तो शायद कुछ चांसेस थे, ठीक है। मैंने ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप दोनों साथ आए जब कि 45 लाख लगा के, जब ये बात देखे भी कि और मैं लगा भी दूं
तो आपने तो पहले लगा चुके हो, ठीक है। इसी चीज को देखकर मैंने दोनों आपके पास रखे, आपने बात रखी तो मैं बोला चलो आज आपकी वीडियो भी मैं लोगों को शेयर कर दूं दोनों, कि आपका पेशेंट आपको लग रहा है कि शायद मेरा कहीं पर अच्छी, हाँ ये बातें, और लोगों के लिए कम से कम आप रास्ता खुला। हम तो चलो हार गए कोई बात नहीं, औरों को तो कम से कम आप जिंदगी दे सकते हो। मैं नहीं कहता मैं ठीक कर दूंगा, पेशेंट आपके आपको लग रहा है, जब 20 दिन के अंदर इतनी अच्छी रिकवरी है तो आप मेरे से इतनी उम्मीद रख सकते हो। मैंने एक पूरा विज्ञान बताया जी, घर का विज्ञान। अब ये तो कम से कम आप चालू कर लेना, अब आज के बाद आपके घर में कम से कम 45 रुपये नहीं लगने दूंगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, हारे से, लेकिन अब जीत तो रास्ता दिखने लगा। मैंने एक ही बात रखी जी कि आज कई लोग कहते हैं कि मैंने वीडियो देखी जी, मेरा वाला रोग नहीं था इसमें। कई लोग कहते हैं कि क्या ये चीज ठीक हुई है, क्या यह ठीक किया क्या। मैं कहता हूं कि शरीर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद उसको कवर कर सकता है, गारंटी नहीं है। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर का रोग है तो वो नहीं हो सकता जी, मुझे नहीं पता रोग क्या है। मैंने तो एक ही बात देखा, जब मेरे पास पहली बार पेशेंट आया कैंसर का, उस समय मैंने किसी का सिर का दर्द भी ठीक नहीं किया, उसने मेरे पर ट्रस्ट किया, उसने मेरे पर विश्वास किया, और वो मेरे पास, उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो बोला चलो यहीं मर जाएं, पैसा तो है ही नहीं, वही कंडीशन आपका था, मौत होता तो क्या करे, रास्ता तो है नहीं। लेकिन अब लग रहा है उस पेशेंट ठीक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, अब लोगों को मैं कम से कम इतना विश्वास दिला सकता हूँ। मेरी वीडियो में इतना मोटिवेशनल हो जाते हैं पेशेंट, इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि अब उसको लगता है कि कहीं तो जिंदगी है हमारी, ठीक है जी। बताए आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ सर आपके वीडियो के माध्यम से, कि आपकी जो हमें सबसे अच्छी बात क्या लगी, कि हम अगर देखें, आप क्या बोलते हैं भाई, हमारे जो बुजुर्ग फॉलो करते थे, आप कम से कम वो चीज फॉलो कीजिए। हमारा कल्चर एक स्टैंडर्ड, एक इंग्लिश कल्चर बन के उसको स्टैंडर्ड में देखते हुए अगर हम बात करें, मतलब आज से 50 साल पहले की, बिल्कुल ये सच है कि कोई बीमारी, इतनी बीमारी थी नहीं। क्यों नहीं थी? जब डॉक्टर भी नहीं थे और बीमारी भी नहीं थी, तो इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो वो रूटीन में लेते थे, और इन जो चीजें बीमारियां पैदा करती है उन चीजों को अवॉइड करते थे, या वो चीजें नहीं थी। अभी वो चीजें हो रही हैं तो उनसे बीमारियां बढ़ रही हैं। अब जितने हम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, मतलब पांव रखने की जगह नहीं है। हाँ, सच कह रहे हैं। मतलब इतने पेशेंट कहाँ से आए, हम कुछ ना कुछ ऐसा ले रहे हैं कि जिससे हमारे हर एक बंदे के शरीर में बीमारियां जा रही है, क्या वो किसी के, किसी भी चीज के माध्यम से जा रही है। तो आपकी सबसे अच्छी बात जो लगी कि हम अपने पिछले कल्चर को हम फॉलो करें, जिससे हम बीमारियों से कम से कम बच सकें। जो विकास के नाम से हमारा विनाश हुआ, जो विकास लगा ना, विकास हुआ है, कहीं ना कहीं विनाश हुआ, हमारा पुराना विज्ञान ही ठीक था, यही कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप पुराने में चले जाए, जो हमारे दादाजी, जो हमारे पीछे पूर्वजों ने किया, वही विकास था, ठीक है जी। अभी जितना जितना हमारे विकास हुआ वो विनाश लग रहा है। हमें जितना कमाया, आज सबसे बड़ा अफसोस होता है कि हम उसको कैसे बचाएं। अगर हमारे घर में ये बीमारी आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक 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 पाई पाई करके हमने रुपया जोड़ा और डॉक्टर एक सेकंड में ले जाएगा। हम जैसे लोगों से कैसे बचे, मैंने ये भी बताया कि आपको मेरे पास भी ना आना पड़े, ठीक है। तो वो उपाय मैंने आपको बताया, और ये आप भी जान चुके हो, आपने भी अपना दर्द शेयर किया और मैंने भी शेयर किया, बिल्कुल सर, ठीक है। हम चाहते हैं कि अब वो हमारे परिवार में दूसरा दर्द कोई ना सहे, ठीक है। हमने ये बात लोगों के सामने रखी, ठीक है सर।